नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। अमेरिका में हिंसा को लेकर निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर ने आगे भी हिंसा के और भड़काने के जोखिम की आशंका के मद्देनजर ये फैसला लिया है। ट्विटर ने कहा है कि हमने ट्रंप के खाते से हाल के ट्वीट्स की करीबी समीक्षा की, जिसके बाद हमने देखा कि उनके ट्वीट्स को किस तरह से लिया जा रहा है। आगे के खतरे को देखते हुए हमने उनका अकाउंट स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। ट्विटर ने यह भी कहा है कि हमने हिंसा के संदर्भ में बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया था कि नियमों के उल्लंघन पर इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट के मुताबिक वो अपनी नीतियों उन्हें लागू करने के लिए पारदर्शी बनी रहेगी। ट्विटर के इस एक्शन के बाद ट्रंप अब अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। उनके ट्वीट और प्रोफाइल फोटो हटा दिए गए हैं। बता दें कि अकाउंट सस्पेंड होने से पहले ट्रंप के 88.7 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे। बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। फेसबुक के चीफ मार्क जुकरबर्ग ने पोस्ट लिखते हुए इसकी पुष्टि की थी। जुकरबर्ग ने लिखा था कि ट्रंप को पोस्ट करने की अनुमति देना बहुत खतरनाक है। फेसबुक ने चेतावनी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फर्जी दावों को नहीं रोका गया तो वो हमेशा के लिए उनका अकाउंट बंद कर देंगे। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने बुधवार को कैपिटल भवन यानी अमेरिकी संसद भवन पर हमला कर दिया और पुलिस से भिड़ गए। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद ट्रंप सभी के निशाने पर आ गए। इस हिंसा के बाद कटघरे में खड़े डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को होने वाले जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से भी इनकार कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।